आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैंने चुना है वो है टेक्नो फंडा एनालिसिस। तो सबसे पहले टर्म का मीनिंग क्या होता है? तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल, ये दोनों वर्ड हमने सुने हैं, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ही टेक्नो फंडा एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको हमेशा हेल्प करता है कि आप ट्रेंड को जज कर सको कि कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ऊपर में हो भले ही नीचे में हो। वाइल फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प यू टू लर्न अबाउट द बिजनेस एंड द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज। और जो बिजनेस है वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा किसी भी कंपनी के लिए। शॉर्ट टर्म वोलेटाइल मूव हो सकते हैं, बट बिजनेस का इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा। कभी कभी आपको बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा शेयर्स में, बट जब तक बिजनेस स्ट्रांग रहता है तब तक आपको पेशेंस और कन्विक्शन रखना पड़ेगा। और यही अपने को फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में आपको काफी सारी चीजें आती है, इंडिकेटर्स होते हैं आपके, मूविंग एवरेजेस होते हैं, तो वो आपको सिंपली ट्रेंड को कैसे जज करना है उसके बारे में सिखाते हैं। तो टेक्नो फंडा एनालिसिस का सिंपल मीनिंग ये रहता है, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी अपन चूज करते हैं, कौन से वैल्यूएशन रेशियोज रहते हैं। बट थोड़ा सा अभी जो मार्केट का कंडीशन है उसमें हमें समझना पड़ेगा कि अपना साइकोलॉजी किस हिसाब का रहना चाहिए। तो अपन जिस हिसाब से जानते हैं कि दो फेजेस होते हैं मार्केट के, एक बुल मार्केट जिसमें अपन सोचते हैं बाय ऑन डिक्लाइन, ये टर्म काफी बार यूज होता है कि जो भी अपने को थोड़ा सा डिक्लाइन मिलेगा उसमें अपन बाय करेंगे। एक बेयर मार्केट होता है जिसमें जो भी राइज आता है वो सेल हो जाता है। तो बुल मार्केट बेयर मार्केट में आपका साइकोलॉजी किस हिसाब का होना चाहिए? बुल मार्केट में कोई भी बंदा हो वो कोई भी रेट पे रिगार्डलेस द बिजनेस वो बाय करने की सोचता है, जबकि बेयर मार्केट में अपोजिट होता है, कोई भी इन्वेस्टर हो वो पैनिक में सेल करने का सोचता है। इसका आपके पास एग्जाम्पल है अभी का बुल मार्केट और जो एक महीने का आपका बेयर मार्केट आया था अराउंड मार्च में, फेब्रुअरी और मार्च का। बट इन दो चीजों में हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि बिजनेस क्या है कंपनी का, कंपनी के वैल्यूएशन रेशियोज क्या है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बिकॉज एक अगर बुरा बिजनेस है और बुल मार्केट में अगर चल भी रहा है तो भी वो बुरा ही रहेगा, और अगर एक अच्छा बिजनेस है जो बेयर मार्केट में टूटा है वो भी अच्छा रहेगा। तो उसमें आप कोई डिफरेंस नहीं रख सकते, डिफरेंस है तो वो आपकी साइकोलॉजी में है। तो इफ यू आर गेटिंग मी विवेक जी, जी 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 या एब्सोल्युटली राइट। तो मेन डिफरेंस आता है अपनी साइकोलॉजी में। अपने पास स्ट्रेटेजी होती है, अपने पास वैल्यूएशन रेशियोज रहते हैं, बट जो मार्केट के दो फेज हैं वो हमें सिखाते हैं कि अपने को साइकोलॉजी किस हिसाब से डेवलप करना है। क्योंकि एट लास्ट आपका ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो उसमें आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट रहता है रादर देन द स्ट्रेटेजी। बिकॉज स्ट्रेटेजी आपके पास बहुत सारी होती है बट आपका माइंडसेट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको थोड़े से अपना एग्जांपल दूं कि मैं कैसे सिलेक्शन करता हूँ अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, जो मेरे इन्वेस्टमेंट रहते हैं उसके लिए मैं किस हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ कंपनियों को, तो सबसे पहले आई लाइक डेट फ्री कंपनीज, जो जिनको अपन बोलेंगे नेट कैश कंपनीज, और द कंपनीज विच आर हैविंग जीरो नेट डेट। बिकॉज ओके उनमें एडवांटेज ये रहता है कि उनमें जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है विच इज आइदर फंडेड बाई द क्लाइंट और द इंटरनल एक्रूवल्स ऑफ द कंपनी। तो ओके इन कंपनीज पे बेट करने से आपका जो कैपिटल है वो हमेशा सेफ रहता है, रादर देन कि आप हाई डेट वाली कंपनी में जाओ और उनमें ग्रोथ प्ले करो। तो उनमें आपको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जितना आप नेट कैश कंपनीज में जाओगे वहां पे मिले। सेकेंड जो मेरा क्राइटेरिया रहता है, हमेशा अपने को नॉन साइक्लिकल कंपनीज चूज करनी चाहिए जिससे कि आपका जो कंपाउंडिंग गेन्स आने का पॉसिबिलिटी रहता है वो ज्यादा हो। और नॉन साइक्लिकल से मेरा मीनिंग है कि साइक्लिकल जैसे हो गए आपके मेटल्स हो गए, या कंपनीज जो कोई भी कमोडिटी पे डिपेंड करती है, उन कंपनीज से हटकर हमें अगर नॉन साइक्लिकल कंपनीज पे अपन चूज करें तो उनमें अपना कंपाउंडिंग गेन्स आने का चांसेस ज्यादा रहता है। थर्ड जो क्राइटेरिया रहेगा, कंपनीज जिनमें वॉल्यूम ग्रोथ होती है, मतलब ईयर बाय ईयर उनमें एक रेवेन्यू ग्रोथ होती है, उन कंपनीज में आप ज्यादा बेट कीजिए जिनमें रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ एटलीस्ट पिछले 3 साल का डबल डिजिट में हो। बिकॉज डबल डिजिट से अगर कम ग्रोथ है तो वहां पे आपको थोड़ा सा
दूर रहने का कोशिश करना चाहिए, और ये सिर्फ स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के लिए, बिकॉज मेरा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में रहता है रादर देन लार्ज कैप। फोर्थ जो पॉइंट रहेगा कि एटलीस्ट आपका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो 15% ग्रो होने चाहिए बाय एनी सर्टेन टाइम फ्रेम। लाइक आप पिछले 3 साल का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो तो एक कंपाउंडिंग आपका ग्रोथ होना चाहिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। और फिफ्थ और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कंपनीज जो भी उनका कैश फ्लो है, जो भी उनके प्रॉफिट्स है, उनमें से थोड़ा पार्ट वो अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड एक कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कंपनी, एक छोटी कंपनी भी अगर अपने छोटे से प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है, दैट शोज कि वो एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, वो इन्वेस्टर के बारे में सोच रही है। डिविडेंड देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट शुड बी री इन्वेस्टेड इन द कंपनी फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। बिकॉज एक आपका नॉर्मल एग्जाम्पल है कि एक आदमी के पास एक शॉप है, वो 2 साल तक उसमें से कुछ कमाता है, वो 2 साल का जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स है वो वापस इन्वेस्ट करिए दूसरे बिजनेस में लगाएगा, तो उसके अर्निंग सोर्सेस बढ़ेंगे, उसकी वजह से आने वाले टाइम में उसका ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है या फिर जो भी आपके कैश फ्लोज होते हैं वो कंपनीज, एक तो डिविडेंड का पार्ट रहेगा, सेकेंड आपका री इन्वेस्टमेंट कैसे करती है कंपनियां, ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी बैड है, तो आपको इसमें काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कंपनियां किस हिसाब से अपना फंड यूज कर रही है। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.